नमस्कार दोस्तों, हाईटेक इन्फो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं Asus Zenfone मैक्स प्रो M1 मोबाइल की। तो दोस्तों, अगर आप भी ये मोबाइल फोन परचेज करने की सोच रहे हैं तो आज की इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको इस मोबाइल फोन के साथ क्या क्या एक्सेसरीज मिलेगी और साथ ही ये परफॉर्मेंस में ये फोन कैसा है। तो ये सभी डिटेल जानने के लिए आज की इस वीडियो को दोस्तों आप शुरुआत से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम मोबाइल की अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस मोबाइल फ़ोन को मैंने फ्लिपकार्ट से 12,999 रुपये में परचेज़ किया है। दोस्तों, फ़ोन की पैकेजिंग बहुत अच्छी करी गई है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर फ़ोन को बबल रैप में भी अच्छे से रैप करके दिया गया है। तो मैं आपको बिल दिखा देता हूँ दोस्तों, ये 12,999 रुपये का बिल है। तो हम इस बबल रैप को रिमूव करते हैं। तो दोस्तों, फ़ोन की अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ फ़ोन के बॉक्स पे क्या क्या मेंशन है। तो जैसे कि आप फ़ोन के बॉक्स के फ्रंट में ही आप देख सकते हैं, यहाँ पे ब्रांड का नाम मेंशन है, यहाँ पे Zenfone मैक्स प्रो M1 और साथ ही टॉप साइड में यहाँ पे 4G VOLTE यहाँ पे मेंशन किया गया है। और दोस्तों, फ़ोन के राइट साइड में लिखा हुआ है वी लव फोटो। तो हम स्पेकुलेट कर सकते हैं कि फ़ोन में हमको अच्छा कैमरा दिया गया होगा। और दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ोन की MRP है 15,599, बट दोस्तों इस मोबाइल को हमने फ्लिपकार्ट से 12,999 रुपये में परचेज किया है। और दोस्तों, बॉक्स के बैक साइड में आप देख सकते हैं फ़ोन की स्पेसिफिकेशन दी गई है, जैसे कि ये ब्लैक वेरिएंट है, 4GB रैम, 64GB रोम इसमें है और इसमें LTE डुअल सिम यहाँ पे लिखा गया है, यानी कि दोस्तों हमको दोनों सिम में ही LTE यानी कि 4G हमको मिल जाता है। डुअल 4G ये मोबाइल हैंडसेट सपोर्ट करता है और साथ ही इसमें 6 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले दी गई है। और दोस्तों, इस फ़ोन में हमको Snapdragon 636 प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि इस फ़ोन का बेस्ट पार्ट है। और साथ ही कैमरा का यहाँ पे रिजोल्यूशन दिया गया है, फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का है और रियर कैमरा 13+5 मेगापिक्सल का है। और दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5000 mAh की हमको बैटरी दी गई है। और दोस्तों, बॉक्स पर और ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं है, तो हम क्विकली इस फ़ोन के बॉक्स में से फिल्म रिमूव कर देते हैं प्लास्टिक की। तो दोस्तों, प्लास्टिक की फिल्म मैं रिमूव कर चुका हूँ, तो अब हम बॉक्स को ओपन करके देखते हैं। तो दोस्तों, बॉक्स को ओपन करते ही सबसे सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वी लव फोटो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दोस्तों, ये है हमारा Asus Zenfone मैक्स प्रो M1 मोबाइल फ़ोन। तो अभी हम इस मोबाइल फ़ोन को साइड में रखते हैं और देखते हैं हमको बॉक्स में और क्या क्या एक्सेसरीज दी गई है इस फ़ोन के साथ। इस बॉक्स को पहले मैं ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इस बॉक्स में हमको सिम इजेक्टर पिन दी गई है, जिसपे कि Asus ब्रांडिंग है, और साथ ही इसमें हमको यूज़र मैनुअल और वारंटी कार्ड हमको मिल जाता है।
और दोस्तों यहाँ पे एक और बॉक्स है, तो हम इसको भी ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमको केबल दी गई है, केबल टाइप सी नहीं है। और साथ ही इसमें हमको वॉल बेस्ड चार्जर मिल जाता है। तो मैं फोकस करके आपको दिखा देता हूँ अच्छे से कि इसकी आउटपुट रेटिंग क्या है। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं इस वॉल बेस्ड चार्जर की आउटपुट रेटिंग है 5 वॉट और 2 एम्पेयर। तो दोस्तों यहाँ पे हमको फास्ट चार्जर नहीं दिया गया है। और साथ ही दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बॉक्स दिया गया है जिसका नाम है मैक्स बॉक्स। तो दोस्तों Asus का ये कहना है कि ये मैक्स बॉक्स आपके स्पीकर के साउंड पे एम्पलीफाई करता है, जिसकी मदद से आपके स्पीकर की साउंड आपको ज़्यादा सुनाई देती है। दोस्तों ये मैक्स बॉक्स कम्प्लीटली कार्डबोर्ड का बना हुआ है, तो आई डोंट थिंक ये मैक्स बॉक्स लॉन्ग लास्टिंग है, तो आपको केयरफुली इसको यूज़ करना होगा। तो दोस्तों मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि क्या क्या एक्सेसरीज हमको इसमें मिल जाती है। हमको इसमें वॉल ब्रिक अडप्टर दिया गया है, साथ ही यूएसबी केबल और मैक्स बॉक्स, और साथ ही हमको सिम इजेक्टर पिन भी दी गई है। दोस्तों इस फ़ोन के साथ हमको ईयरफोन नहीं दी गई है। तो दोस्तों हम इन सभी एक्सेसरीज को साइड करते हैं, तो हम वापस आते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की तरफ। तो दोस्तों मैं इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर से प्लास्टिक की फिल्म रिमूव कर लेता हूँ। तो दोस्तों प्लास्टिक की फिल्म रिमूव करने के बाद आप यहाँ पे मोबाइल की डिस्प्ले देख सकते हैं। आई मस्ट टेल यू गाइस, ये मोबाइल की डिस्प्ले बहुत बढ़िया है, बहुत ही ज़्यादा ब्लैक है। और दोस्तों मोबाइल के बैक साइड में भी आप देख सकते हैं ब्लैक कलर है, प्योर ब्लैक कलर है, बहुत डीप है। दोस्तों इस मोबाइल फ़ोन का बैक पैनल इतना ग्लॉसी नहीं है, अगर बैक पैनल थोड़ा ग्लॉसी होता तो ये फ़ोन और ज़्यादा प्रीमियम लगता। और आप एजेस देख सकते हैं दोस्तों, डिस्प्ले के एजेस में हल्के से कर्व भी है जो कि डिस्प्ले को बहुत ज़्यादा प्रीमियम बना देता है। तो ओवरऑल मोबाइल के बिल्ड इन क्वालिटी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, 5000 mAh की बैटरी इस मोबाइल में होने के बावजूद इस मोबाइल का वेट बहुत ही ज़्यादा लाइट है, सिर्फ 180 ग्राम्स। टॉप फ्रंट में यहाँ पे कैमरा दिया गया है, और इसके बगल में प्रॉक्सिमिटी सेंसर दिया गया है, और इसके बगल में रिसीवर है, और रिसीवर के बगल में LED इंडिकेटर भी दिया गया है, और साथ ही यहाँ पे दोस्तों फ्रंट कैमरे के लिए फ्लैश भी दिया गया है। और इस मोबाइल फ़ोन के टॉप में आपको सेकेंडरी माइक्रोफोन मिल जाता है, मैं आपको फोकस करके दिखाता हूँ। और इसके राइट में वॉल्यूम लॉकर की और पावर ऑन ऑफ की भी दिया गया है। इस मोबाइल फोन के बॉटम में आप स्पीकर ग्रिल देख सकते हैं, और इसके बगल में यूएसबी पोर्ट दिया गया है चार्जिंग के लिए, और इसके बगल में आपको प्राइमरी माइक्रोफोन मिल जाता है, और इसके साथ ही आप ऑडियो जैक देख सकते हैं 3.5 mm का। और इस मोबाइल के राइट में आप सिम ट्रे देख सकते हैं। तो दोस्तों इस मोबाइल फ़ोन के सिम स्लॉट को हम ओपन करके देखते हैं कि इसमें कैसा सिम स्लॉट दिया गया है। और दोस्तों इस मोबाइल फ़ोन की एक और खास बात मैं आपको बता दूं कि आप इस मोबाइल फ़ोन में डुअल 4G यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आपके पास अगर 2 Jio की सिम है तो आप दोनों Jio की सिम अपने इस फ़ोन में चला सकते हैं। तो दोस्तों इस मोबाइल में आप 2 SIM और 1 microSD कार्ड साइमल्टेनियसली चला सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं इस मोबाइल में MI Note 5 Pro की तरह हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं दिया गया है, जिसमें कि आप सिर्फ 1 SIM या फिर 1 microSD कार्ड या फिर आप 2 SIM आप यूज़ कर पाएंगे। तो अगर आप दोस्तों कंपेयर कर रहे थे दोनों मोबाइलों को, MI Note 5 Pro और Asus Zenfone Max Pro M1, तो दोस्तों यहाँ पे Asus Zenfone Max Pro M1 मोबाइल ने बाजी मार ली है Note 5 Pro से।
तो दोस्तों मोबाइल को मैंने बूट कर दिया है। मोबाइल को बूट करते वक्त मेरे को थोड़ा हैप्टिक फीडबैक यहाँ पे मिला है। यहाँ पे दोस्तों मैं सभी सेटिंग्स को स्किप कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों आप सेटिंग्स को स्किप मत कीजिएगा, आप प्रॉपरली फिल कीजिएगा सेटिंग्स को। तो दोस्तों यहाँ पे फ़ोन प्रॉपरली सेटअप हो गया है। एज यू कैन सी दोस्तों यहाँ पे होम स्क्रीन आ गई है हमारे सामने। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस मोबाइल फ़ोन की डिस्प्ले बहुत ही ज़्यादा विविड लग रही है, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है दोस्तों ये फ़ोन। दोस्तों ये मोबाइल फ़ोन स्टॉक एंड्रॉयड पे वर्क करता है जो कि बहुत अच्छा है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं इस मोबाइल फ़ोन में बैटरी अभी 65% है और मोबाइल फ़ोन का स्टोरेज आप देख सकते हैं आउट ऑफ द बॉक्स 15% यूज्ड है और इसमें आपको 54.26 GB फ्री मिल जाता है आउट ऑफ 64 GB। तो स्टॉक एंड्रॉयड होने की वजह से यहाँ पे आपको काफ़ी सारा स्पेस भी मिल जाता है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये मोबाइल आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 8.1 यानी कि एंड्रॉयड ऑडियो पे वर्क करता है और अभी मैंने इस मोबाइल में कोई भी अपडेट नहीं किया है तो यहाँ पे हमको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड ओरियो मिल जाता है। अगर दोस्तों आप इस मोबाइल फ़ोन को MI Note 5 Pro से कंपेयर करें तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों आउट ऑफ द बॉक्स आपको इस मोबाइल में एंड्रॉयड ओरियो मिलता है, बट आपको MI Note 5 Pro में आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉयड नोगट मिलेगा। तो दोस्तों आज की ये वीडियो बस Asus Zenfone Max Pro M1 की अनबॉक्सिंग वीडियो थी। बहुत जल्द मैं आपके लिए इस मोबाइल फ़ोन के कंप्लीट रिव्यू लेके आऊँगा, जैसे कि ये मोबाइल फ़ोन वर्क कैसे करता है, मोबाइल का कैमरा कैसा है, मोबाइल फ़ोन की पिक्चर क्वालिटी कैसी है और इस मोबाइल फ़ोन में आपको कैसा गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा, एंड टू बेंचमार्क, वो पूरा रिव्यू दोस्तों मैं आपके लिए अगली वीडियो में लेके आऊँगा। तो हमारी अगली वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दैट्स इट दोस्तों, आई होप आज के वीडियो आप सभी के लिए जरूर हेल्पफुल होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आपके कोई भी सुझाव है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप इस वीडियो के नीचे लिखे कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूबल कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी कभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको इस वीडियो के नीचे दिखे लाल कलर के सब्सक्राइब का बटन को अभी कभी दबा देना है और आप सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले आप हमारी वीडियो देख सकें। तो दोस्तों नमस्कार।